वन नेशन वन इलेक्शन पर विचार के लिए बनाई गई पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली कमेटी ने आज यानी गुरुवार 14 मार्च को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। पैनल ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति को 18,626 पन्नों की रिपोर्ट सौंपी है। इसमें कहा गया है कि रिपोर्ट 2 सितंबर 2023 को पैनल के गठन के बाद से हितधारकों और एक्सपर्ट से सुझावों और 191 दिन के रिसर्च का नतीजा है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि वन नेशन वन इलेक्शन पर 47 राजनीतिक दलों ने कमेटी को अपनी राय दी है, जिनमें से 32 ने पक्ष में और 15 ने विपक्ष में अपना मत रखा है। रिपोर्ट में बताया गया कि भाजपा और उसके सहयोगी दलों सहित 32 पार्टियों ने एक साथ चुनाव के हक में राय जाहिर की है, वहीं कांग्रेस और अन्य दलों ने इसका विरोध किया है। साथ ही आपको बता दें कि समिति पिछले साल सितंबर में बनी थी। रिपोर्ट में निर्वाचन आयोग, विधि आयोग और कानून विशेषज्ञों की राय भी शामिल है। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि एक साथ चुनाव कराना जनहित में होगा, इससे आर्थिक विकास तेज और महंगाई नियंत्रित होगी। अब जानिए कि किन पार्टियों ने वन नेशन और वन इलेक्शन का विरोध किया है। जिन पार्टियों ने इसका विरोध किया है उसमें आम आदमी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, CPIM, कांग्रेस, UDF, AIMIM, TMC, CPI, DMK, NPF, समाजवादी पार्टी, MDMK, VCK, SDPI और CPIML शामिल हैं। मिली जानकारी के मुताबिक रिपोर्ट लोकसभा चुनाव के बाद कैबिनेट के सामने रखी जाएगी। कैबिनेट के फैसले के अनुरूप कानून मंत्रालय संविधान में वह नए खंड जोड़ेगा जिसकी सिफारिश विधि आयोग ने की है, ताकि चुनाव एक साथ हो सके। इसे संसद के दोनों सदनों में पारित कराया जाएगा और राज्य विधानसभाओं में भी प्रस्ताव पारित करने की सिफारिश की जाएगी। इसके बाद 3 चरणों में 2029 तक लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ सुनिश्चित किए जा सकेंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।